Hello students, I hope you all are well and good. So now let's start today's work. In previous video, we had discussed about what is communication. Communication kya hai? To share your ideas, expressions, views, pictures, videos, music, etc. That is called communication. इन सब चीजों में आपके आइडियाज हैं, आपके व्यूज हैं, किसी को भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, पास करते हो इंफॉर्मेशन को टू अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. और कम्युनिकेशन कम्युनिकेयर वर्ड से बना है, और कम्युनिकेयर का अगर मीनिंग पूछा जाए तो टू शेयर. आपको ये फोटो मैंने डिस्कस करवाई थी. और मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेथड: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल एंड विजुअल. वर्बल यू ऑल नो, ओरल एंड रिटन. ओरल जब आप किसी को बोल के कम्युनिकेट करते हो, लाइक इंटरव्यू में, या फिर अगर आपसे ओरल कोई वर्क सुना जाता है क्लास में, आप टीचर से कम्युनिकेट करते हो ओरली. रिटन कम्युनिकेशन जब ऑफिशियली किसी को लेटर्स, एसएमएस, ईमेल सेंड किए जाते हैं, अदरवाइज जैसे आपसे टेस्ट लिया जाता है या कुछ भी आपको लिखने को बोला जाता है, तो दैट इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन. ये दोनों टाइप्स वर्बल कम्युनिकेशन के हैं. नॉन वर्बल जिसमें कोई भी आपके सिंबल्स, साइंस यूज होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन यूज होते हैं कोई भी मैसेज को कन्वे करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आप सैड हैं, आप हैप्पी हैं, आप टायर्ड हैं बहुत ज़्यादा, आप हंग्री हैं, कोई किसी भी तरह का मैसेज अगर आपको कन्वे करना है तो थ्रू सिंबल्स और गेस्टर्स, आई कॉन्टैक्ट के थ्रू करते हो, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. विजुअल कम्युनिकेशन जिसमें मैसेज को कन्वे किया जाता है थ्रू इमेजेस, साइंस के साथ, पिक्टोग्राफी, फिल्म्स के साथ. ये एग्जाम्पल्स हैं, देखो, वर्बल ऑरली टॉक कर रहे हैं, नॉन वर्बल इमोजीज के साथ टॉक हो रही है, विजुअल किसी पिक्चर को देख के हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड विजुअल कम्युनिकेशन. नाउ बेटा, व्हाट इज कम्युनिकेशन साइकिल? कम्युनिकेशन डन कैसे होती है? आपने पिछली क्लास में इसके बारे में वैसे डिटेल में पढ़ा हुआ है, बट फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ में हम यहाँ पे इसको पढ़ेंगे. कहते कम्युनिकेशन टू वे एक्सचेंज होती है इंफॉर्मेशन. वन, एक पर्सन नहीं कर सकता कम्युनिकेशन, टू वे एक्सचेंज होती है. इसीलिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं बेटा? सेंडर, जो आपका मैसेज सेंड करता है, जो इंफॉर्मेशन को स्टार्ट करता है. एनकोडिंग इन वर्बल, वर्बल में क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन, द मैसेज इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ कोड्स. कहते जब आप कोई डाटे को सेंड करना चाहते हो, वो डाटा अपनी ओरिजिनल फॉर्म से कन्वर्ट किसमें हो जाता है? एक कोड में कन्वर्ट हो जाता है. इट इज द क्रिएशन ऑफ मैसेज, मैसेज क्रिएट करना. ये कोडिंग अपने आप ही कन्वर्ट होती है बेटा, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती. ये स्टेप बाय डिफॉल्ट अपने आप परफॉर्म होता है थ्रू कन्वर्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी सेंड मैसेज ऑन स्मार्टफोन टू समवन, अगर हम किसी स्मार्टफोन पे किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं, द मैसेज इज एनकोडेड इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 एंड इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सैटेलाइट. हमने तो इंग्लिश में टाइप कर दिया, बट वो मैसेज कन्वर्ट हो जाता है 0 और 1 की लैंग्वेज में. बिकॉज मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर को 0 1 की लैंग्वेज समझ में आती है, वो कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट होके ट्रांसमिट होता है थ्रू सैटेलाइट. और जब रिसीवर के पास पहुंचना होता है, तब हम पढ़ेंगे वो डीकोड होता है. तो पहले तो यहाँ पे एनकोड हो गया, पहले सेंड किया फिर एनकोड हो गया. चैनल, जैसे कि सैटेलाइट के पास पहुंचा, चैनल एक मीडियम होता है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है. तो चैनल में क्या कुछ आ सकता है बेटा? एयर, जैसे आप वर्बली बोलते हो तो एयर एक चैनल है. हवा में जैसे आप टॉक करते हो तो हवा से के साथ ही आपकी जो बात है आगे कन्वर्ट होती है, आगे पहुंचती है. टेलीफोन पे बात करते हो तो वायर के साथ, अगर सैटेलाइट से बात करते हो तो ईमेल के साथ, इंटरनेट कनेक्शन के साथ आपका डाटा आगे जाता है. तो ये चैनल जिसके थ्रू डाटा आगे फॉरवर्ड होता है. डीकोडिंग, इट इज द एनकोडेड इंफॉर्मेशन दैट इज कन्वर्टेड इनटू एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. देखो, यहाँ पे कोड में कन्वर्ट हो गई थी, अब डी कोड में वो सेम टू सेम उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगी जिसमें आपको समझ में आती है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी रिसीव अ मैसेज ऑन अवर स्मार्टफोन, द मैसेज इज डीकोडेड फ्रॉम 0 1 फ्रॉम टू द लैंग्वेज दैट वी अंडरस्टैंड. तो वो अपने आप ही 0 1 से किस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगी? जैसे आपने इंग्लिश में टाइप किया तो इंग्लिश में हो जाएगी. तो एनकोडिंग और डीकोडिंग ध्यान से करना है. एनकोडिंग, वो मैसेज अपने आप 0 1 में कोड हो जाएगा, एंड जब रिसीवर के पास पहुंचने वाला होगा उससे पहले वो ऑटोमेटिकली डी कोड होगा, 0 1 से प्रॉपर आपकी लैंग्वेज में आ जाएगा. रिसीवर उस मैसेज को ऑब्जर्व करेगा, रीड करेगा जब उसके पास मैसेज पहुंच जाता है. फीडबैक, फीडबैक एक रिस्पॉन्स होता है जो रिसीवर मैसेज को रिसीव करने के बाद में अपने व्यूज को देता है.
इट एनेबल्स द सेंडर टू एवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज। ये बताता है मैसेज कितना इफेक्टिव है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है, मैसेज अच्छे से पहुंचा, कंप्लीट है, एनीथिंग, फीडबैक में कुछ भी हो सकता है। देखो बेटा, कम्युनिकेट सेंडर से स्टार्ट होती है, कम्युनिकेट करता है सेंडर रिसीवर से, और रिसीवर फीडबैक इसको वापस भेजता है सेंडर को। इसको कहते हैं कम्युनिकेशन साइकिल। नेक्स्ट है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। देखो जब आप एलिमेंट्स करोगे इसके या कम्युनिकेशन साइकिल करोगे तो आपको पॉइंट्स के साथ साथ इस डायग्राम को भी अच्छे से रीड करना है और आगे ड्रॉ भी करना होगा क्वेश्चन। अब देखो फीडबैक पॉइंट पढ़ा था, फीडबैक की इंपॉर्टेंस क्या है। यू ऑल नो जब भी कोई काम होता है अगर उसके बारे में कोई फीडबैक ना दे तो हमें पता नहीं लगता वो काम अच्छा था, सही था कि नहीं सही था। सो वी हैव वॉर्न अ न्यू ड्रेस, अगर मान लो हमने नई ड्रेस पहनी है, एंड आस्क योर मदर दैट हाउ आई एम लुकिंग इन द ड्रेस। आप अपनी मम्मा से पूछते हो मैं कैसी लग रही हूँ उस ड्रेस में। देयर योर मदर्स आंसर इज द फीडबैक। जो मदर आपको रिप्लाई करेगी अच्छे लग रहे हो, नॉट अच्छे लग रहे हो, जो कुछ भी है वो क्या होती है, फीडबैक। एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। इन कम्युनिकेशन फीडबैक इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। जो रिस्पॉन्स होता है सेंडर को दिया जाता है रिसीवर के थ्रू। द फीडबैक मेक्स सेंडर अवेयर, वो सेंडर को क्या बनाती है, अवेयर बनाती है। उसका मैसेज सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है, नहीं रिसीव हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ हम फीडबैक के थ्रू बताते हैं। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन कमेंट एंड वर्बल कन्वर्सेशन आर डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। स्पेसिफिक फीडबैक भी होती है, डिस्क्रिप्टिव भी होती है। दिस टाइप ऑफ फीडबैक इज ऑफन शेयर्ड बाय द टीचर एंड द स्टूडेंट इन ऑर्डर टू हेल्प द स्टूडेंट टू इम्प्रूव द फर्दर। हम देखो जो इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने टेस्ट दिया, अगर हम कोई कमेंट उसमें साथ में लिख के देते हैं, इम्प्रूव योर सेल्फ, नीट एंड क्लीन राइटिंग करो, इस सब्जेक्ट में वीक हो आप, ये सारी क्या है बेटा, फीडबैक्स हैं आपकी स्टडी को आपकी इम्प्रूव करने के लिए। स्पेसिफिक फीडबैक डिटेल में भी हो सकती है एंड इज मोर फोकस्ड अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। ऑब्जर्वेशन भी, हमने उस चीज से क्या ऑब्जर्व किया। नॉन स्पेसिफिक फीडबैक क्या होती है, जनरल होती है, एज द रिसीवर हैज नॉट थॉट अबाउट द मैसेज इन डेप्थ। स्पेसिफिक में प्रॉपर फीडबैक दी जाती है और नॉन स्पेसिफिक में जनरल सी फीडबैक दी जाती है, येस नो गुड बैड समथिंग जो भी है। फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन सच एज गुड जॉब, यू डिड ग्रेट एटसेट्रा। नॉन स्पेसिफिक में सिंपल ये बताया जाता है गुड बैड एटसेट्रा, डिटेल नहीं बताई जाती। फीडबैक इज लाइक अ बैकबोन इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। पूरी कम्युनिकेशन की बैकबोन किसको बोला जाता है बेटा, फीडबैक। ये आपको फिलअप भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो पढ़ने चाहिए। ये रिसीवर को क्या है, इंटरेक्टिव बनाती है, शोज द रिसीवर इज इंटरेक्टिव, उसने अच्छे से आपके मैसेज को देखा। कम्युनिकेशन की प्रोसेस को क्लियर करती है ये क्या करती है, इफेक्टिवनेस होती है कम्युनिकेशन, कितनी अच्छी हुई है आपकी। पॉजिटिव फीडबैक ये क्या करती है, मोटिवेट करती है आपको ताकि आप इससे भी अच्छा कर सको। अगर नेगेटिव फीडबैक होती है तो वो आपको उस काम को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, अभी हमें कमी क्या रहेगी, हमने क्या अच्छा करना है। तो यहाँ पे एक टॉपिक है बेटा बैरियर्स, बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे तो यही बताया भी बैरियर होता क्या है। बैरियर एक डिफिकल्टी होती है बेटा, ऑब्स्टेकल होता है जो आपको कम्युनिकेट करने से रोकता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, हर्डल कह सकते हो, ऑब्स्टेकल कह सकते हो, डिफिकल्टी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। विच अफेक्ट द ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। सेंडर से रिसीवर तक डाटा पहुंचने में देखो बड़ी सारी वॉल दिखाई है भी, क्योंकि ये सेंडर का डाटा रिसीवर तक पहुंचने नहीं दे रही, तो इसीलिए इसको एज ए ऑब्स्टेकल दिखाया गया है। ऑब्स्टेकल इस तरह से नहीं होते जैसे दीवार आ गई, ऑब्स्टेकल बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि एक दूसरे की लैंग्वेज ना पता होना, नॉइस बहुत ज़्यादा होना, एक दूसरे की बात ही समझ में ना आए। तो इस तरह के अगर कोई मान लो इसने बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज़ कर ली, इसको समझ ही नहीं आई वो लैंग्वेज कौन सी यूज़ की गई है, तो इस तरह की चीज़ों को बैरियर्स बोला जाता है, जो आपके मैसेज को एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं होने देते। सो स्टूडेंट्स आज इतना ही करना था बेटा, बैरियर्स पढ़ लिए हमने, फीडबैक की इंपॉर्टेंस, देन हमने कम्युनिकेशन साइकिल को पढ़ा था एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन क्लियर इन द लाइव क्लास एंड ऑल्सो पुट कमेंट अंडर दिस यूट्यूब वीडियो। Thank you, students. Have a nice day. Bye-bye.